नमस्कार, आपका स्वागत है परीक्षा प्रेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको समझाएंगे कि रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला तो यही प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा कि रचना के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तीन होते हैं, रूढ़, अयोगिक और योगरूढ़। ये तीनों ही प्रकार के शब्द किस आधार पर, रचना के आधार पर है, अर्थात इनकी रचना होती कैसे है। इसमें से जो ये दो शब्द हैं, अगर हम इन दो को अलग कर लेते हैं, योगिक और योगरूढ़ शब्द चार प्रकार से बनते हैं। या तो संध के द्वारा इनका निर्माण होता है, या तो समास के द्वारा इनका निर्माण होता है, या तो इनका निर्माण प्रत्यय से होता है, अथवा इनका निर्माण उपसर्ग से होता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी में शब्द निर्माण की चार इकाइयां हैं, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। इनके योग से बना शब्द या तो यौगिक होगा और या वो योगरूढ़ होगा। चलिए आज इनको समझते हैं कि कैसे शब्द यौगिक होता है। आप परीक्षा में कैसे पहचानेंगे कौन यौगिक है, कौन योगरूढ़ है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर इस चीज को तुमने ढंग से समझ लिया तो तुम्हें फिर बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार समझ लो, सदैव के लिए याद होता रहेगा। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य है। तो रचना के आधार पर शब्द के भेद तीन होते हैं। तो पहला भेद है रूढ़ शब्द। कैसे परीक्षा में आप पहचानेंगे, ध्यान रखिएगा, इसका एक निश्चित अर्थ होता है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी स्थान का निश्चित बोध कराते हैं। एक निश्चित अर्थ है इनका। अविभाजित शब्द, इनका विभाजन नहीं किया जा सकता। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन शब्दों की उत्पत्ति का भी पता नहीं होता है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, गेहूं, आंख, इन नाम किसने रखे, कब रखे, पता नहीं है। लेकिन इन शब्दों के उच्चारण से किसी विशेष का बोध होता है। सूर्य के उच्चारण से विशेष प्रकार के तारे का बोध होता है, पृथ्वी के उच्चारण से विशेष प्रकार के ग्रह का बोध होता है, आंख के उच्चारण से शरीर के एक विशेष अंग का बोध होता है। इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, गंगा, पृथ्वी, आंख, दिन, पर्वत आदि, ये सभी रूढ़ शब्द हैं। इसके बाद आता है आपका योग रूढ़। तो सबसे पहले योग रूढ़ की आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। योग रूढ़ ऐसे लिखा जाता शुद्ध वर्तनी। इनका एक सामान्य अर्थ होता है, एक कॉमन अर्थ होता है। दो शब्दों के योग से बने ऐसे शब्द जिनका बहुवचन हो सकता है, इससे बेहतर कोई क्लास आपको नहीं बता पाएगी। कैसे पहचानोगे यौगिक या योगरूढ़, ऐसा शब्द जो दो शब्दों के योग से बने और उसका बहुवचन किया जा सके, उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे अगर कोई शब्द हम ले लें, विद्या, विद्या प्लस आलय, शब्द क्या बनेगा, विद्यालय। अब विद्यालय शब्द का कोई पूछे बहुवचन क्या है, विद्यालय शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो आप कहोगे विद्यालय शब्द का बहुवचन विद्यालयों होगा, अर्थात यह शब्द यौगिक है। और एक सामान्य अर्थ दे रहा है, विद्यालय शब्द के उच्चारण से पर किसी एक का बोध नहीं होता है, ऐसा पता चलता है कि शिक्षण संस्थाएं हैं, ये कई जगहों पर हो सकती है, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन होता है। तो दो शब्दों के योग से बना जो सामान्य अर्थ प्रकट करे, ऐसे शब्दों को हम क्या कह देते हैं, योगरूढ़ शब्द की श्रेणी में लाते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। उसके बाद आपका जो आता है वो आता है आपका योगरूढ़ शब्द। सबसे महत्वपूर्ण और पहचान भी इसकी बड़ी सरल होती है, शब्द है योग रूढ़। योग रूढ़ का क्या मतलब होता है, जो यौगिक होते हुए भी, देखो रूढ़ शब्द किसी एक के लिए रूढ़ होता है, और योग रूढ़ का मतलब है यौगिक होते हुए भी किसी एक का प्रयोग करे। यह एक विशेष अर्थ देता है, यह एक विशेष अर्थ देता है, अर्थात किसी संज्ञा का विशेषण होता है, किसी संज्ञा का विशेषण होता है।
और आप अपने अर्थ में समझ लो, यह शब्द किसी संज्ञा का पर्यायवाची होता है। जैसे हिमालय, ये शब्द हिम प्लस आलय से बना। और ध्यान रखिएगा, दो शब्दों के योग से बने शब्द जिनका बहुवचन नहीं हो सकता। अगर दो शब्दों के योग से बने शब्द का बहुवचन हो जाए तो यौगिक, और ना हो तो योगरूढ़। जैसे शब्द है हिम प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि है, शब्द क्या बनेगा? हिमालय। अब अगर कोई आपसे पूछे कि हिमालय का बहुवचन क्या है, हिमालय का बहुवचन कोई नहीं है। हिमालय एक प्रॉपर नाउन है, एक विशेष पर्वत का नाम है, और उसकी विशेषता है कुछ में बर्फ है, बर्फ का घर है। राकेश, राकेश क्या बनेगा? राका प्लस ईश, गुण संधि है, और ये चित्रा का पर्यायवाची है। अगला है अंश प्लस माली, क्या है? एक अंश माने किरणे, माली माने रक्षक, दो शब्दों के योग से बना, इस सूर्य का पर्यायवाची है। पीत प्लस अंबर, दीर्घ स्वर संधि पीतांबर, कृष्ण जी का पर्यायवाची है। दिवाकर, काहे का पर्यायवाची हो गया? सूर्य का पर्यायवाची है। दिन को करने वाला, दिवा को करने वाला दिवाकर। अगला एक यहां पर नोट है जो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि यौगिक योगरूढ़ शब्दों का निर्माण संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से होता है। किससे होता है? संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से होता है। अगला बता रहा है योगरूढ़ शब्द ही बहुव्रीहि समास होते हैं, या बहुव्रीहि समास में आने वाले सभी शब्द योगरूढ़ होते हैं। फिर से समझ लो कि जितने भी शब्द बहुव्रीहि समास में आएंगे, ये सभी शब्द बहुव्रीहि समास हैं, वो सब योगरूढ़ होते हैं। दो शब्दों के योग से बना जो विशेष अर्थ प्रकट करेगा, अर्थात किसी का पर्यायवाची होगा, किसी संज्ञा का विशेषण होगा, ऐसे शब्द हमेशा योगरूढ़ होंगे, हमेशा बहुव्रीहि समास में आएंगे। ये बात बिल्कुल गलत ध्यान में आपको रख लेना है। अब अगर हम इनको एक ही स्थान पे इन्हें देखना चाहें तो देखिएगा, रूढ़ ऐसा शब्द जिसका विभाजन नहीं हो सकता, यौगिक और योगरूढ़ ऐसा शब्द जिनका विभाजन हो सकता है, इसका बहुवचन हो जाएगा और इसका बहुवचन नहीं होगा। तो दो संज्ञा, दो शब्दों के योग से बना शब्द यदि उसका बहुवचन हो जाता है तो वो यौगिक, और नहीं होता है तो योगरूढ़। तो इस प्रकार रूढ़ शब्द क्या है, योगरूढ़ शब्द क्या है, और यौगिक शब्द क्या है, ये बात विधिवत आपके समझ में आ गई होगी। बस आपको ध्यान से 10-5 मिनट की एक क्लास है, उसे पढ़ लेना है, समझ लेना है, दोबारा आप रूढ़ यौगिक योगरूढ़ के बारे में कभी नहीं भूलेंगे। कोई भी शब्द आ जाए पहचान लेंगे कि रूढ़ यौगिक या योगरूढ़ ये क्या है। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद। फिर अगली क्लास में आपसे किसी अन्य बिंदु के साथ मिलते हैं।